उधर राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में एक लड़की को मेट्रो स्टेशन से अगवा कर गैंगरेप का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। घटना शुक्रवार शाम की है, गोल्फ कोर्स मेट्रो स्टेशन के बाहर, जहां बीपीओ में काम करने वाली युवती कैब का इंतजार कर रही थी। तभी एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो आकर उसके पास रुकी और कार में सवार दो बदमाश पता पूछने के बहाने लड़की को अगवा कर लेते हैं। फिर नोएडा से दिल्ली के रास्ते में चलती कार में उसके साथ गैंगरेप करते हैं। बाद में पीड़ित लड़की को कार सवार अक्षरधाम मंदिर के पास फेंक कर फरार हो जाते हैं। पीड़ित लड़की नोएडा की रहने वाली है। इधर सेक्टर 39 पुलिस स्टेशन में पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई। सात बजे शाम में आप ये सोचिए, अंदाजा लगाइए कि कितना महफूज है नोएडा और कितना महफूज है कोई भी मेट्रो स्टेशन किसी लड़की के लिए, कि अगर शुक्रवार को शाम में 7 बजे कोई लड़की मेट्रो स्टेशन के नीचे इंतजार कर रही है किसी का, तो वो महफूज नहीं है। क्योंकि कल इसी तरह का एक वाकया हुआ है, कल इसी तरह की एक शर्मनाक घटना हुई है नोएडा में, जब कोई लड़की यहीं पर इंतजार कर रही थी, स्कॉर्पियो आके रुकी, उस स्कॉर्पियो में 4 बदमाश सवार थे, 2 उस गाड़ी से उतरे, उन्होंने उस लड़की को अगवा किया, दिल्ली की सड़कों पर चलती हुई गाड़ी में उसका रेप किया और फिर अक्षरधाम के पास उसको रोड पर सड़क पर फेंक कर चले गए।